الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواحنا له الفدا اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم ويوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزاني الكرام امام المتقين کی صفات کے عنوان سے اس سلسلہ مجالس کی گیارہویں مجلس شامع غریباں کے علاوہ اس عنوان پر گیارہویں مجلس سے ہم اور آپ والا کے صفات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں مولا کی خاندانی فردی اخلاقی عبادی اجتماعی سیاسی اقتصادی صفات کا ہم نے مشاہدہ کیا اور یہ جانچا کہ مولا ان صفات میں کمال پر تھے کہ جو کسی بھی انسان کو سعادت اور کمال پر پہنچانے کے لیے احتیاج ضروری ہے آج انشاءاللہ مولا کی ثقافتی صفات جنہیں فارسی میں کہتے ہیں فرہنگی صفات
और इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल एट्रीब्यूट्स, कि मौला ने वो क्या सकाफती सिफात माशरे को दी कि जो मौला के आसार बन कर आए और मौला की मीरास बनकर माशरे के सामने आई। सबसे पहले जो सिफत मौला की सकाफती एतबार से नज़र आती है वो मौला का इल्म है, जो आज भी जितने उलूम हैं वो मंसूब होते हैं मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। अगर आप इल्म अदबियात अरब देखना चाहते हैं तो चाहे वो सैफुन है, वो अरबिक ग्रामर हो, वो सब मौला के सहाबी अबुल अस्वद दुवैली की तरफ पलट थी, जो मौला के सहाबी थे। अबुल अस्वद दुवैली एक मरतबा मौला के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि मौला मुझे अरबी की कुछ बुनियादी चीज़ें सिखाइए। तो मौला कहते हैं कि ऐ अबुल अस्वद दुवैली, देखो याद रखना सिर्फ अरबी में ही नहीं किसी भी ज़बान के अंदर तीन चीज़ों से खाली नहीं है, वो ज़बान तीन चीज़ों से खाली नहीं है। या तो जो जुमला आपके सामने आएगा या जो कलमा आपके सामने आएगा वो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब और हर्फ यानी कोई सा भी लेटर। तो अबुल अस्वद दुवैली ये सुनकर करिया करिया और गांव गांव जाकर घूमते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ज़बानों में, तो उन्हें सब जगह यही तीन चीज़ें नज़र आती हैं, या तो वो इस्म होता है या फेल होता है या हर्फ होता है। अगर आपको एक कलाम नज़र आ रहा है दरबा ज़ैदुन अमरन, के ज़ैद ने अमर को मारा, तब इसमें ज़रबा फेल है मारना, ज़ैद इसे में नाउन और अमर भी इसी तरीके से नाउन है, यानी इस जुमले में भी आपको फेल और इसम नज़र आएगा। और अगर ये जुमला नज़र आता है ज़ैदुन फिर दार, ज़ैद घर में है, तो यहाँ भी आपको ज़ैद इसम नज़र आएगा, नाउन नज़र आएगा, दार यानी घर ये भी नाउन है, फी जो है वो हर्फ है। मौला ने जितने जगहों पर अबुल अस्वद दुवैली जा सकते थे करिया करिया गांव गांव जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के चक्कर लगाते हैं, जिस जबान का मुशाहिदा करते हैं हर जबान के अंदर इन तीन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, या नाउन होगा या वर्ब होगा या इन नाउन और वर्ब को मिलाने के लिए कोई लफ्ज़ होगा, कलेमा होगा, जिसे आप हर्फ कहते हैं। अबुल अस्वद दुवैली करिया करिया गांव गांव घूमने के बाद मौला के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि ऐ अल्लाह के वली, वाकई आपने हक और हकीकी बात की थी कि हर जबान मुश्तमिल होती है या इसे फेल और हर्फ पर। तो मौला एक जवाब देते हैं, मौला कहते हैं कि इल्तकमनी रसूल फी उज़नी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरे कानों में ऐसा इल्म दिया कि जो मा कान व मा यकूनु इलल कयामा, जो कुछ इस दुनिया में पहले गुजर चुका है और जो कुछ दुनिया में मेरे बाद गुजरेगा सबकी खबर अल्लाह के रसूल ने मुझे इनायत की। और इस तरीके से इनायत की कि बचपन से लेकर जब अली की विलादत हुई थी उस वक्त से लेकर रसूल की शहादत तक अली रसूल के गिर्द इस तरीके से चक्कर लगाते थे कि अल्लाह के रसूल के बारे में खुद मौला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी के पीछे उसका बच्चा चलता। मौला इल्म हासिल करने के लिए
अल्लाह के रसूल से इल्म याद करने के लिए, इल्म सीखने के लिए इस कदर मुखलिस नजर आते हैं कि अगर कुरान की आयत उतरती है कि जो भी अल्लाह के रसूल से इल्म हासिल करना चाहता है तो वो पहले सदका दे फिर इल्म हासिल करे, तो सिवाय अली के और कोई इस हुक्म पर अमल नहीं करता लेकिन अल्लाह के रसूल से जरूर इल्म हासिल करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद मौला। जबान सिखाने के एतबार से भी, इल्म अदबियात के एतबार से भी तमाम उलूम मौला की तरफ मुंतही होते हैं। अगर आप सूफियों की बात करें, तसव्वुफ की बात करें और रफा की बात करें तो इल्म इरफान के तमाम अफराद भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा जो ताल्लुक मिलता है वो मौला के ताल्लुक से मिलता है। ये मौला अगर इरफान की बातें और इरफानी और मानवी कलिमात जाहिर ना करते तो हमारे लिए इरफान रोशन ना हो सकता। इसी तरीके से मुख्तलिफ उलूम, इल्मे उरूज, इल्मे उरूज किसे कहते हैं? इल्मे उरूज कहते हैं जब अशआर और शेर को बयान किया जाता है तो उसे चेक करना हो कि वो कितना वजनी है, तो उसके वजन को चेक करने के इल्मे उरूज में डाला जाता है। मौला हर इल्म में माहिर नजर आते हैं। शायद वो ये बताना चाहते हों कि अली का शिया भी ऐसा होना चाहिए कि वो ये ना, कोई ये ना कहे कि ये अली का शिया है मगर लाइल्म है, ये अली का शिया है मगर जाहिल है, अली का शिया है मगर इसकी मालूमात नहीं है। मौला का शिया इल्मी एतबार से इतना आगे होना चाहिए कि जब कोई शख्स देखे कि अली का शिया इल्मी बातें कर रहा है और इल्मी मालूमात दूसरों तक पहुंचा रहा है तो कहे कि हाँ चूंकि अली इल्म देने वाले थे इसलिए उनका शिया भी। मौला की फसाहत व बलागत, ये मौला कलाम इस तरीके से किया करते थे कि फसाहत यानी सामने वाले को अपनी बात पहुंचा देना और बलागत यानी इस तरीके से बात पहुंचाना कि वो मुजयन हो चंद अच्छे अल्फाज और अच्छे कलिमात के साथ। मौला की फसाहत व बलागत इतनी उरूज पर थी कि अगर आप सिर्फ नहजुल बलागा को देखते हैं, उसके नाम को ही देखते हैं तो वो पूरी किताब अली की बलागत से भरपूर नजर आती है। मौला के आसार क्या है? मौला तमाम अहादीस को लिखा करते थे। इमामुल मुत्तकीन की आली सिफत जो यहाँ नजर आती है वो ये कि उन्होंने अहादीस को लिखा, किताबत अहादीस को छोड़ा नहीं। तो मौला अपने घर में कैद होकर उन आयात की तफसीर में मशगूल हो जाते हैं कि जिन आयात की तफसीर के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ए अली तुम उस वक्त तक घर से बाहर ना आना जब तक कुरान को मुकम्मल ना कर लो और उसकी तफसीर को मुकम्मल ना कर लो। तो मौला ऐसे शदीद दौर में भी, ऐसे वक्त में भी उनकी ये सफाफती सिफत नजर आती है कि वो रसूल की सफाफत को जाया करने पर राजी नहीं है, रसूल की सफाफत को बर्बाद करने पर राजी नहीं है। उन तमाम आयात की तफसीर में मशगूल रहते हैं और उसकी शान नजूल को भी लिखते हैं और फिर वो भी आता है कि जाते हैं मस्जिद में दिखाते हैं कि ये अली इब्न अबी तालिब का सहीफा है कि जिसमें मौला ने तमाम आयात की शान नजूल को और उसकी तफसीर को बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया गया था। लेकिन सामने से जवाब आता है कि हमें आपके कुरान की ज़रूरत नहीं है। मौला उस कुरान को ले लेते हैं, अपने पास महफूज कर लेते हैं और रिवायात के ये अल्फाज हैं कि वो सीने बे सीने तो होता ही है, ये सहीफा दस्त बे दस्त होते हुए भी आइमाए मासूमीन के जरिए से आयम आले मोहम्मद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के पास महफूज है और उन्होंने मौला की इस सकाफत को इस तरीके से हिफाजत के साथ रखा है कि जब वो ज़ुहूर करेंगे तो कुरान की हर आयत की शान नुज़ूल को और उसकी तफसीर को बयान करेंगे। मौला की एक और सकाफती सिफत वो ये कि मौला खुद तो किताबत लिखते ही थे, अहादीस लिखा ही करते थे, साथ में दूसरे अफराद को भी ये तालीम देते थे। उक्तुबुल इल्म,
وقيد العلم بكتابه علم کو لکھو اور علم کو قید کر لو لکھنے کے ذریعے سے چونکہ جو علم لکھا نہیں جاتا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ذہن سے محو ہو جاتا ہے ذہن سے چلا جاتا ہے تو شاید مولا یہ درس ہم شیعوں کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی کا شیعہ جہاں علی علی کرتا ہوا نظر آتا ہے جہاں ولایت کے مدار کے گرد گھومتا نظر آتا ہے جہاں علی کے فضائل کو پڑھتا اور علی کے فضائل کو سننے کے لیے آمادہ رہتا ہے علی کا شیعہ وہ ہونا چاہیے کہ وہ باب العلم کی صفت پر عمل کرتے ہوئے علم کو لکھے بھی اور پڑھے صلوات پڑھے محمد مولا نے ایک دفعہ اعلان کیا مَن يَشْتَرِ الْعِلْمَ بِدِرْهَمٍ کون ہے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر مولا فرماتے ہیں مَن يَشْتَرِ الْعِلْمَ بِدِرْهَمٍ کون ہے جو علم کو خریدے ایک درہم سے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو وہ علی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی اور آج وہ خود علم کو بیچ رہے ہیں حضرت اللہ علم کو فروخت کر رہے ہیں مولا سے مسکراتے ہیں اور ان چہمگوئیوں کو ظاہر ہے کہ علم لدنی ہے مولا جانتے ہیں کہ کیا گفتگو چل رہی ہے مولا سے مسکراتے ہیں اتنے میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حارث اعور اعور کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کی ایک آنکھ کام کرتی ہو دوسری آنکھ کام نہ کرتی ہو وہ کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ آنکھوں کے اعتبار سے بصارت ان کی کم تھی لیکن بصیرت کے اعتبار سے مولا کے کلام کو سمجھتے تھے جہاں بصارت والے افراد مولا کے کلام کو نہیں سمجھ پائے وہاں یہ حارث اعور جن کی بصارت کم تھی لیکن بصیرت زیادہ تھی مولا کے کلام کو سمجھتے ہیں بازار جاتے ہیں اور ایک کاغذ کو صحفاً ایک کاغذ کو خریدتے ہیں اور خرید کے مولا کے پاس آتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں اشتریت العلم بدرہم میں نے ایک درہم سے علم کو خریدا یعنی مولا کے کلام کو سمجھ گئے تھے کہ جب مولا علم دینا چاہتے ہیں اور تم علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ بازار سے کاغذ لے کر آؤ اور علی کے علم کو کتابت کر کے لکھ کر محفوظ کرو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اے کوفے والوں یا اہل کوفہ غلبکم نصف رجل اے اہل کوفہ تمہارے درمیان وہ شخص کہ جس کی ایک آنکھ کم تھی وہ تم سب پر غالب آ گیا پھر مولا حارث اعور کو جن کا نام تھا حارث بن عبداللہ حمدانی وہ مولا کے ساتھ مولا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور مولا صبح سے شام تک اس کاغذ پر علم کو اس حارث اعور کے لیے لکھ کر دیتے ہیں اور تاریخ گواہ بن جاتی ہے کہ علی کا پہلا صحابی جو سب سے آگے بڑھ کر علی کے علوم کو محفوظ کرتا ہے علی کی احادیث کو محفوظ کرتا ہے وہ حارث اعور ہے شیعہ و سنی تمام علماء ان کی بیشتر احادیث جو مولا کی احادیث منقول ہوتی ہیں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے علم اور عرفان کے اعتبار سے ادبیات عرب کے اعتبار سے اشعار اور دیوان علی کے اعتبار سے وہ ساری منقول ہوتی ہیں حارث اعور سے صلوات پڑھیں محمد و چھٹے امام بھی یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ علم کو محفوظ کرو تو لکھا کرو لیکن آج کے نوجوان بھی یہ چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسے انگلش لکھنا آتی ہے انگلش پڑھنا آتی ہے لیکن انگلش چوتھی یا پانچویں زبان کہلائے گی دینی معلومات کے اعتبار سے دینی کتابوں کے اعتبار سے عربی پہلی زبان فارسی دوسری زبان تیسری زبان دینی کتابوں کے اعتبار سے جو دوستان کہتے ہیں وہ یہ کہ اردو وہ زبان ہے کہ جس میں عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ دینی کتابیں ہوں تو موجود ہیں تو نوجوان آج کل اردو لکھنا پڑھنا تو کیا اردو کو پڑھتا بھی رومن میں ہے اور لکھتا بھی رومن میں اسے کہا جاتا ہے اردو میں اپنا نام لکھ کر دکھائیے
मुश्किल हो जाती है उसे। ज़ाद की जगह पर ज़े लिख देता है, ज़े की जगह पर ज़ाद लिख देता है, ज़ोए लिख देता है, उर्दू लिखना नहीं आता। अफसोस का मकान, जब उसे उर्दू नहीं आती तो चेबे वसन पे फारसी और उसके बाद पे अरबी। मौला का शिया वो होता है कि जो मौला के इस फरमान पर अमल करे कि अल कुतुब बुसातीन अल उलमा, किताबें उलमा के बुस्तान है, किताबें उलमा के बागात है। जिस तरीके से इंसान बाग में जाता है तो महसूस होता है मुख्तलिफ चीजों को देख कर। मौला फरमाए किताबें और कुतुब जो हम मीरास के तौर पर, कल्चर के तौर पर, सकाफत के तौर पर छोड़ कर जा रहे हैं, ये तुम्हारे खुशी का बायस होना चाहिए, तुम्हारे लगाव का बायस होना चाहिए कि जब तुम किताबों को देखो तो वहाँ उससे तुम महसूस हो। देखिए किताब, जब टीवी आया तब भी इंसान ये सोचता था शायद अब टीवी आ गया किताबों की अहमियत कम हो जाएगी, नहीं, किताबें उस वक्त भी बाकी हुई। कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, एंड्रॉयड आया, डिवाइसेस आए, जो कुछ भी आ गया, किताब अपनी जगह पर बाकी है। खुदावंद मुताल जहां आदम की खलकत की बात करता है वहां भी कलम का तज़किरा करता है। अल्लमल इंसान बिल कलम, कि हमने इंसान को कलम के जरिए से सिखाया। तो जाहिर है कि कलम सिर्फ खाली कलम से तो नहीं सिखाया। अल अर्शो सुम्मन नक्श, कि पहले कोई चीज होगी उसके ऊपर लिखा जाएगा, अगर कोई चीज नहीं है तो उस पर लिखा कैसे जाएगा। तो कलम वो चीज थी कि जिसके जरिए से इंसान को आदम के जमाने से, अगर हज़रत इदरीस ने कलम को उसकी जाहिरी शक्ल दी, वरना वो चीजें मौजूद थी जिससे इल्म को लिखा जाता था। उस वक्त से लेकर कयामत तक कलम बाकी रहेगा, किताब बाकी रहेगी। जहां हम अपने घरों में आजादारी के लिए अलम रखते हैं, वहां तुल्लाब के लिए, दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए कलम भी रखें। जहां अहले बैत ने आजादारी को इतनी अहमियत दी है, वहां इल्म को भी बहुत अहमियत दी है। आज शिया के घर में अलम तो हो लेकिन कलम ना हो, कलम से मुराद सारी किताबें, किताबें ना हो तो अली का शिया जरूर है लेकिन उसका दर्जा दूसरे शख्स के मुकाबले में, कि जो इल्म भी हासिल कर रहा है, मालूमात अहले बैत को भी, सीरत अहले बैत से भी मुशनास हो रहा है, उसके मुकाबले में कम है। अली का शिया ऐसा आलिम होना चाहिए कि लोग जब उसके इल्म को देखें तो ये कहें कि हाँ, ये उस अली का मानने वाला है जिसका नारा था, जिसका दावा था, सलूनी सलूनी कब्ला मुहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले इसके अलावा मौला ने इल्म उरूज के चंद आसार छोड़े, दीवान अशआर छोड़े। हत्ता ये कि जो शायर अफराद हैं वो ये कहते हैं कि हमने शेर के औजान को जो सीखा है वो मौला के सहाबी से सीखा। और पांचवे इमाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि काना अशअरुन नास व आलमुन नास, कि अली शेर के एतबार से बेहतरीन शायर थे और इल्म के एतबार से बेहतरीन आलिम थे। और लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मौला की इतनी ज्यादा फजीलत लोगों के दरमियान में। मौला को बाज दफा अहादीस बयान करने से रोका जाता था तो मौला उस वक्त जवाब देते थे कि अल्लाह के रसूल ने मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि मैं अल्लाह के रसूल की अहादीस को लिखूं। जहां मौला कातिबे वही थे वहां कातिबे हदीस रसूल थे, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। और सहीफा अली जो मौला की लिखी हुई किताब थी, एक मरतबा कोई शख्स आता है आकर कहता है कि मौला ये सहीफा अली आप मुझे इनायत कर दीजिए, मौला इनकार कर देते और कहते हैं कि ये सहीफा अली वो है जिसमें अल्लाह के रसूल के वो राज मौजूद है कि जो जिम्मेदारी है कि मैं अली अपने आखिरी फर्जंद तक उस राज को पहुंचाऊं। देखिए मौला ने शायद एक और दर्स दे दिया। हमारे उस्ताद कहा करते थे
कि दो चीजें ऐसी हैं कि जो आप किसी को अगर अमानत पर देते हैं तो ये एहतमाल जरूर रखिए कि वो वापस नहीं आएगी, सलामत वापस नहीं आएगी। वो कौन सी चीजें हैं? आपकी तवज्जो है, एक किताब। कि किताब ऐसी चीज है कि जब इंसान किसी को बतौर अमानत देता है तो ये समझे, ये सहतमाल को रखे कि ये वापस उसी सही सलामत उसी तरीके से वापस नहीं आए। और दूसरी जन, जन अगर इंसान ने किसी को दी है तो वो वापस नहीं आएगी, चाहे जितना भी अमानतदार शख्स हो। मेरे उस्ताद ये जुमला कहते थे कि जन के अतबार से कभी किसी पर एतमाद नहीं करना, कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। मौला ने किताब के अंदर भी ये चीज बताई, सहीफ़ा अली अपने मोतबर साहबी को भी इसलिए नहीं दिया कि इसके अंदर चंद ऐसे राज हैं कि जो अगर जाहिर हो गए किसी पर तो वो पैगाम जो मुझे पहुंचाना है आखिरी जमाने के इमाम तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन लोग आते थे, कुछ ना कुछ तरीके से मौला को अजियत करना चाहते थे। मौला अशआर में जवाब दिया करते थे, उन अशआर को जब जमा किया गया तो वो भी अली के आसार और सकाफत में से, जिसे कहा जाता है दीवाने अली। शायर भी कहता है, चाहा था मिटाना लाख मगर जाहिर ये हकीकत हो गई, चाहा था मिटाना लाख मगर जाहिर ये हकीकत हो गई, बंदों ने जो चाहा हो न सका खालिक की मशीयत हो गई, चाहा था मिटाना लाख मगर जाहिर ये हकीकत हो गई, बंदों ने जो चाहा हो न सका खालिक की मशीयत हो गई, को इसको मिटाने की कोशिश दुनिया में हजारों साल रही, को इसको मिटाने की कोशिश दुनिया में हजारों साल रही, सूरज की तरह फिर भी रोशन हैदर की फजीलत हो के रही। सर बात पड़े मोहम्मद मौला की सकाफत में, जहां आपको इल्म नजर आता है और शेर नजर आता है वहां मौला के मकातीब हैं। मकातीब कहते हैं उन मक्तूबात को जो मौला किसी और के लिए भेजे, जैसे अल्लाह के रसूल के मकातीब पर किताब मौजूद है, मकातीब व रसूल, यानी वो खतूत जो अल्लाह के हबीब ने पहली हिजरी से लेकर दसवीं हिजरी तक मुख्तलिफ ममालिक में भेजे, उन खतूत को जो जमा किया गया उसका नाम है, किताब का नाम मकातीब व रसूल। ऐसी किताब मकातीबुल अली के नाम से नहीं है, लेकिन बिखरे हुए मकामात पर मौला के मक्तूबात मौजूद हैं, जैसे नहजुल बलागा में मौला के मक्तूबात मौजूद हैं। मक्तूब आप देखते जाएंगे कि एक नामा है जो मौला ने मालिक अश्तर को लिखा है, एक नामा है जो मौला ने दुआए कुमैल के रावी कुमैल इब्ने ज़ियाद को लिखा है, एक नामा है जो मौला ने अपने किसी दूसरे सहाबी को यमन में लिखा है, बसरा में लिखा है। तो इन तमाम मकातीब को अगर आप जमा करेंगे तो वो मौला के मकातीब बनेंगे जो मौला के खुतूत हैं। यानी मौला ने ये भी बताया कि अली का शिया वो होता है कि जो रुहबानियत की सिफत को इख्तियार नहीं करता, जो एक किनारे पर बैठ कर खुदा की इबादत को अंजाम देते हुए ये समझे कि सब कुछ उसने कर दिया तो ये काफ़ी नहीं है। मौला मुख्तलिफ अफराद से रवाबित में रहते थे, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, सोशल मीडिया। मौला मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेशन किया करते थे, मुख्तलिफ तरीके से पैगाम पहुँचाया करते थे, और अली अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते थे कि अली की जिम्मेदारी है कि अमर बिलमारूफ करें और नहीं है। आज का शिया भी अब उस जमाने की तरह खतों किताबत तो नहीं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इन्हीं सोशल मीडिया के वसाइल के जरिए से, जिसे आप तवासुल इज्तिमाई कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं, आप इन्हीं चीज़ों के जरिए से मौला के पैगाम को अगर आप पहुंचाते हैं और मौला की तरह रवाबित को इख्तियार करते हुए अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं तो आप अली की सीरत का बन पाए। जहाँ हम व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ लतीफ़ों में मशगूल रहते हैं, जहाँ यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते हैं और एक मिनट की वीडियो समझ के हम ये देखते हैं कि एक मिनट की वीडियो है, देख लेंगे क्या होगा,
लेकिन अजाने के बाद यही एक मिनट बन के पूरा सरमाया जिंदगी खत्म। एक अखरोट वाला था, वो अखरोट लेकर बैठा हुआ था। एक शख्स आता है और आकर उससे कहता है कि जनाबे आली ये अखरोट कितने का है। एक अखरोट को उठाता है और कहता है ये कितने का। वो मिसाल के तौर पे मैं उसके हूँ, वो कहता है ये एक रुपये का। तो वो कहता है कि कैसे एक रुपये का है। कहता है कि 100 अखरोट 100 रुपये के हैं और ये एक अखरोट 1 रुपये का। वो कहता है कि ठीक है ये 1 रुपये का है, अब क्या तुम उसे 1 रुपया भी लोगे। वो कहता है नहीं नहीं मैं 1 रुपया क्या दूंगा, मैं क्या ये खा सकता हूँ। कहाँ खा लो। उसका अखरोट तोड़ा खा लिया। दूसरा अखरोट उठाया कहा ये कितने का है। कहा ये भी 1 रुपये का। वो भी तोड़ा कहा ये भी मैं खा सकता हूँ। कहाँ ये भी खा लो, मैं तुमसे 1 रुपया क्या लूँगा। वो भी तोड़ा, वो भी खा लिया। तीसरा अखरोट उठाया और जब तीसरा अखरोट उठाया तो अखरोट वाले ने उसके हाथ पर मारा और कहा कि तुम इस तरीके से कि ये एक अखरोट कितने का है, ये एक अखरोट कितने का है, ये 1 रुपये का, 1 रुपये लेकर तुम मेरा सारा सरमाया बर्बाद कर दोगे। अज़ाने गिरामी इसी तरीके से इंसान ये समझता है ये तो 1 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट की गुफ्तगू है, बस मैं इसमें इसे देख लूँ, थोड़ी देर की तो बात ख़त्म हो जाएगा। यही 1 मिनट 1 मिनट बन के पूरा सरमाया ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस मौला की ये सिफत थी कि मौला इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सकाफत को दूसरों तक मुंतकिल करने के लिए अहदीस को लिखते थे और ये जुमला कहते थे अल किताब निअमल मुहद्दिस, कि किताब कितनी बेहतरीन बात करने वाली है। और एक जगह फरमाते हैं कि अल किला अल किताब निअमल मुतकल्लिम, कि किताब कितनी बेहतरीन कलाम करने वाली है। इसी तरीके से हमें मौला हुसैन के जुमले भी नजर आते हैं। जब मौला हुसैन मिना के मैदान में, हाकिम शाम के जमाने में मिना के मैदान में लोगों से खिताब करते हैं तो एक जुमला कहते हैं इस्मउ कौली वक्तुबु इल्मी। ये रिवायत के अल्फाज हैं। मौला कहते हैं कि मेरे कलाम को सुनो और मेरे इल्म को लिख लो। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो याद रखना, चूंकि मेरे बाद कुछ ऐसे अफराद आएंगे जो हुसैन के दिए हुए इल्म को महव करने की कोशिश करेंगे। और तारीख ने देखा कि मौला ने जो खुतबा इरशाद किया था, जो खुतबा इरशाद फरमाया था मुख्तलिफ मकामात पर, ये वही खुतबे थे, यही खुतबे बनते हैं जो आकर बनू उमैया की साजिश को, जो ये कहा करते थे कि हुसैन बागी होकर शहीद हो गए और हुकूमत वक्त के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह बगावत करके शहीद हुए, ये मौला की यही खुतबे थे जो तहरीर शुदा थे, जिनसे ये साबित हुआ कि हुसैन बगावत के लिए नहीं निकले थे बल्कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को पहुंचाने के लिए। और ये मुसाफिर जो 28 रजब को निकला था अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने के लिए, कभी फवजदक को देखता है तो शेर पढ़ने वाले फवजदक से कहते हैं कि फवजदक हम निकले हैं अल्लाह के रसूल से किए हुए वादे को पूरा करने। बस अज़ादारों, आपने रोज एक एक शहीद पर गिरिया किया, हत्ता ये कि आशूर के दिन मौला हुसैन पे गिरिया, लेकिन आज आपको रसूल के घराने के मर्दों पर गिरिया करने का दिन नहीं है, आज उनकी ख्वातीन पर गिरिया करने। अज़ादारों, आपको मालूम है कि 11 मुहर्रम को क्या वाकया पेश आया। आशूर का दिन वो दिन था जब अहले बैत रसूल की हिफाजत के लिए हुसैन कदम ब कदम खड़े नजर आते हैं। कोई अगर निगाह भी करता, कोई अगर एक कदम भी अहले बैत की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता, हत्ता जब आखिरी सजदा कर रहे थे और ये सदा सुनी थी, ये आवाज सुनी थी कि खयाम हुसैनी पर हमला कर दो, तो हुसैन ने उस
वक्त भी अक्सर अमल दिखाया था, रद्द अमल दिखाया था, और ये जाहिर किया था कि अब जब हुसैन जिंदा है उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ख्याल हुसैन ही पर हमला करे। बस जब असर आशूर गुजर चुकी थी और शाम गरीबा आ चुकी थी तो अहले बैत रसूल ने उस वक्त हुसैन की कमी को महसूस करते हुए ये जुमला कहा था कि ए हुसैन आप कहाँ हैं? ये अशकिया हमारी चादरों को छिनते हैं, हमारी रिदाओं को छिनते हैं। जनाबे सकीना की आवाज बुलंद हुई थी कि या अबदा, ए मेरे बाबा, कद सुरका कुर्तिया कुर्तिया, कि ए मेरे बाबा मेरी दोनों बालियों को चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया। तो ये तमाम मसाइब आप सुनते हैं। शाम गरीबा भी गुजर गई, अगला दिन आता है 11 मुहर्रम का। अब जब 11 मुहर्रम का दिन आता है तो इब्ने साद पिसरे साद हुक्म देता है कि ए फौजियों, ए लश्कर के सिपाहियों, जाओ और जाकर अहले बैत के मर्दों के सरों को लेकर आओ, उन्हें खाक और पानी से धो और उन्हें चमका कर बेहतरीन तरीके से रखो ताकि हम इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर सकें। बस ये अशकिया आती है तो देखती है कि किसी का सर किसी छोटी बच्ची के हाथ में है, किसी नौजवान का सर किसी बीवी के हाथ में है, किसी नौजवान का सर किसी सैयदानी के हाथ में है। कोई सैयदानी ऐसी है जो कटे सर की लाश पर अपने दोनों हाथों को रखकर ये बयान कर रही है कि या रसूल अल्लाह, आपके बाद इस उम्मत ने क्या किया? बस एक एक करके तमाम सरों को जमा किया जाता है, सैयदानियां बयान करती हैं, ऐ दुश्मनों, ऐ शकियों, हमारे सरों को वापस करो, लेकिन कोई वापस करने के लिए तैयार नहीं है। एक एक करके सैयदानियों को धक्का दिया जाता है। रियाजुल एहसान के जुमले हैं, एक खातून सर वापस नहीं करना चाहती, एक शकी आगे बढ़ता है, एक कोले से सैयदानी बस कोला लगता है। सैयदानी कहती है कि या रसूल अल्लाह, आप देखिए आपके बाद हम अहले बैत पर क्या जुल्म हो रहा है, इन सरों को जमा किया जाता है, एक एक करके सर इब्ने साद के सामने लाया जाता है। इब्ने साद कहता है कि ये सारे सर मेरे कबीले में जाएंगे। कबीले वालों में लड़ाई होती है, हर कबीला ये कहता है क्या तू ये चाहता है कि सारा इनाम तू ही वसूल कर ले, तू इन सरों को हम कबीलों में तकसीम कर दे। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये उम्मत किस दहाने पर पहुंच गई कि आपके बाद आपके अहले बैत के सरों को इनामों के बदले में कबीलों में तकसीम किया जा रहा है। बस हुक्म दिया जाता है कि तमाम कुश्तगाने यजीद को दफन किया जाता है, यजीदियों के मक्तूलों को दफन किया जाता है। सैयदाना हसरत से ख्वातीन अहले बैत की मस्तूरात एक एक करके अपने घर के लाशे को देखती है कि यजीदियों ने अपने घर वालों के लाशों को दफन कर दिया है, लेकिन मौला हुसैन और उनके घर वालों के जनाजे तपती रेत पर बेगौरों दफन मौजूद है। जब सैयदानियों को ऊंटों पर सवार किया जाता है, ज़ैनब खड़ी होती है और कहती है ऐ पसर साथ, अपने सिपाहियों से कह दे हमें सवार होने के लिए तुम लोगों की और ताउन की जरूरत नहीं है। मारियों से बताए इनके जुमले, एक दफा सैयद सज्जाद अपनी कमर को थाम कर अपने हाथों में जो तौक और जंजीरें और पांव में बेड़ियां थी उनको संभालते हुए कहते हैं फूफी अम्मा आप परेशान ना हो, ये सज्जाद जिंदा है,
पर सवार होना चाहती थी। एक तरफ से अब्बास आते थे, एक तरफ से कासिम, एक तरफ से अली। जिस जगह पर जिस परेशानी में मुब्तला है परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो जो मजलूम मोमिनीन कैदी हैं असीर हैं परवरदिगार उन्हें रिहाई अता फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो जो मोमिनीन दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ जहाँ शिया मजलूम हैं परवरदिगार उनकी मजलूमियत को देखते हुए रसूल के घराने की मजलूमियत का वास्ता तुझे जो उनकी मजलूमियत को उन पर होने वाले जुल्म को दूर करते उन्हें सुकून बख्श। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो जो मोमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस वबा को इस दुनिया से दूर कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवामन में शामिल फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك